सारी चीजें जो है हमारे आज आजादी के कारण संभव है। क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा था? Congratulations on the 78th Independence Day of India. With a big applause of clappings, I want it. सच में ही यहाँ पर जो भी कोई वक्ता बोलकर गए हैं उनकी बातों में पूरा अर्थ है कि हमें ये स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली। आपने बहुत बार एक हिंदी की वो टैग सुना होगा जिसमें कहा जाता है प्राधीन सपनेहु सुखनाही। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पक्षी या पशु को भी पिंजरे में थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तो वो छटपटाने लगता है। और हमें तो ये इतनी लंबे संघर्ष के बाद जो 1857 से रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ या बाकी सभी जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके साथ ये शुरू हुआ था, लेकिन हम आज एक स्वतंत्र देश के अंदर सांस ले रहे हैं ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। और इसका सारा क्रेडिट जो जाता है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, समाज सेविकों के लिए जाता है जिन्होंने पाने पर क्या हुआ, एक अपने को अपने देश के अंदर 1947 में एक विभाजन हुआ और अपने को स्वतंत्रता मिली, तो वो विभाजन भी हमें याद करना चाहिए। वो विभाजन में अपने देश से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो अलग देश गए। ये विभाजन विभीषिका भी अपने लिए एक विषय रही। Man.